नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको तो पता ही होगा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है कोविड-19 पैंडमिक के कारण आपके सिलेबस में 40% का रिडक्शन किया है, मतलब 40% हटा दिया गया है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में नहीं आने जा रहे हैं। ठीक है, इस बार 2021 का जो बोर्ड एग्ज़ाम से उसमें 40% रिडक्शन कर दिया गया है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि क्लास 10th और क्लास 12th में कौन कौन से चैप्टर्स को हटाया गया है जिससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे इस बार। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, उससे भी पहले हम डिस्कस कर ले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको दिखा दे जो आपके बोर्ड से रिलेटेड है। आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स फरवरी में होते थे वो एक न्यूज़ आर्टिकल में पब्लिश किया गया है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस मार्च और अप्रैल के बीच में होने की संभावना है इस बार। चलिए मैं आपको सबसे पहले वो न्यूज़ दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये न्यूज़ आर्टिकल में लिखा है इस बार मार्च अप्रैल में होगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा, जो आपके फरवरी में होते थे वो इस बार मार्च और अप्रैल के बीच में हो सकता है, या उससे भी डीले होता है, उससे भी ज़्यादा देर में हो सकता है इस बार। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले क्लास 10th का डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स को हटाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे लेफ्ट तरफ चैप्टर्स का नाम दिया हुआ है और सबसे राइट वाले कॉलम में वो टॉपिक से या एक्सरसाइज मेंशन किया गया है जिसको हटाया गया है, मतलब वो आपके एग्जामिनेशंस में नहीं आएंगे। जैसे कि आप देखिए, 1 नंबर में है रियल नंबर्स, ये आपका चैप्टर है। और देखिए कॉलम में लिखा क्या है, यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है, मतलब इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, तो कौन कौन सा वो चीज़ है। इक्लुइट्स डिविज़न लैम्बा और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 जो है। फिर उसी कॉलम में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 एंड रिलेटेड एग्जांपल नंबर 5, ये जो रियल नंबर्स का राइट साइड में लिखा गया है कॉलम में, वो सारे टॉपिक्स है और एक्सरसाइज है और एक एग्जांपल भी है जिसको डिलीट किया गया है, मतलब एग्जामिनेशंस में नहीं पूछे जाएंगे यहाँ से क्वेश्चंस। ठीक है, फिर सेकंड नंबर में देखिए पॉलिनोमियल से, और सबसे राइट में आप पॉज करके देखिए क्या क्या चीज़ें हटाया गया है। हम इस तरह का स्लाइड्स दिखाते जा रहे हैं हर चैप्टर्स का, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो सबसे राइट साइड में लिखा गया है वो आपके टॉपिक्स और एग्जाम्पल्स है जो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। फ्रेंड्स, हम एक एक करके स्लाइड्स दिखाते जा रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइए। ठीक है, जैसे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे राइट तरफ जो चीज़ें हैं एक्सरसाइजेस है उसको डिलीट किया गया है। वो हर एक चैप्टर्स का हम स्लाइड्स आपको दिखाते जा रहे हैं एक के बाद एक, आप नोट डाउन करते जाइए। यदि हम एक एक करके बोलेंगे तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको शॉर्ट करने के लिए आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से क्या क्या हटाया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं क्लास 12th के जो जैक बोर्ड का डिलीटेड टॉपिक से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। फ्रेंड्स, क्लास 12th का भी जो सबसे लेफ्ट साइड में है वो आपके चैप्टर्स हैं, और जो सबसे राइट कॉलम में लिखा गया है वो आपके टॉपिक्स हैं जो नहीं आ रहे हैं एग्जामिनेशंस में। ठीक है, जैसे रिलेशन एंड फंक्शंस में सबसे राइट कॉलम में देखिए 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 करके है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशंस, ये सारे टॉपिक्स है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएंगे 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशंस में। ठीक है, इस तरह से आप पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए सारे चीज़ें। सबसे लेफ्ट साइड में आपका चैप्टर से और सबसे राइट वाले कॉलम में आपका डिलीटेड टॉपिक से, उस हिसाब से आप स्ट्रेटजी बनाइए प्रिपेयर से। फ्रेंड्स, हम एक एक करके स्लाइड्स दिखाते जा रहे हैं। आप सबसे लेफ्ट साइड में चैप्टर्स का नाम है और राइट साइड में जो डिलीटेड टॉपिक से, आप वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए, उस हिसाब से आप अपना स्ट्रेटजी बनाइए प्रिपेरेशन कीजिए। फ्रेंड्स, एक बात हम बता दें कि ये सारे डिलीटेड टॉपिक से एग्जामिनेशंस में नहीं आएंगे, लेकिन आपको
पढ़ना पड़ेगा आपको कॉम्पिटिशन्स के लिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत पढ़िए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।